अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान ताजानी। मैं अरशद ताजानी मेरा छोटा भाई था और 5 अगस्त को एक हादसा हुआ था ब्लास्ट का, एसी ब्लास्ट का, जिसमें उसका इंतकाल हो गया। और ये जो हमने अपने ऑफिस था हमारा तो बाप के पास, तो ये इसमें हमारा हमने 2 महीने पहले ही हायर का 2 टन का फ्लोर एसी लगाया था, ठीक है। और फिर उसकी मैंने बम स्क्वाड ने और एक्सपर्ट्स की टीम ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है और रिपोर्ट कारुल हसन साहब ने भी शायद अपने प्रोग्राम में सारी वो की है वो रिपोर्ट फॉरेंसिक में कि R32 गैस थी उसमें। मेरा भाई ऑफिस में बैठा है और 1 मिनट 2 मिनट ये अंदर जब इसने एसी ऑन किया है और फिर वो एसी में इसे बैठा है विद इन 5 मिनट्स इसने लाइटर ऑन करा है सिगरेट जलाने के लिए और ब्लास्ट हो गया। और ये ब्लास्ट 1 किलोमीटर तक सुना गया है। ये हर घर में एसी है अभी फिलहाल, तो ये हमने तो R32 और हायर के जितने भी एसी हैं R32 है। हमारे साइट ऑफिस में, हमारे दूसरे ऑफिस में ये हायर के एसी लगे हुए हैं और सब में R32 है, हमने वेरीफाई किया। और ये है ना फ्लेमेबल है, पूरी दुनिया में बैंड है, पाकिस्तान में ये कैसे बिक रही है। मैंने अपना लॉस किया। मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये R32 की गैस का कोई एसी तो नहीं आप इस्तेमाल कर रहे। अगर कर रहे हैं तो उसके जो कंप्रेसर में आप R32 की गैस निकलवा के अपनी जो 310 और जो सेफ गैस है वो डलवाएं। और हायर के एसी पे के खिलाफ, हायर एसी इस वक्त जिसके घर में है, कुछ स्कूलों में भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन हैं, उनके बच्चे और बड़े बड़े नामवर स्कूल हैं, उसमें 2 टन के मेजॉरिटी मेरे को रिपोर्ट है कि हायर एसी लगा हुआ है। और अगर जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो कोई अगर एक एसी फटता है तो एक स्कूल में 32 एसी लगे हैं, रिपोर्ट है मेरे पास, मेरी वेरिफिकेशन है, मेरे पास इन्फो सारी चीजें डेटा है। स्कूल में ऐसा नहीं एक ब्लास्ट होगा तो है ना 32 के 32 ब्लास्ट होंगे, तो क्या हम बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस सोशल मीडिया के और जो ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सबको मैसेज देना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि अपने घर में अच्छा जो एसी इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अलावा मार्केट में भी जो एसी की गैसें मिल रही है उसमें भी 2 किस्म की गैसें हैं, एक R32 और एक ये। R32 की कूलिंग ज्यादा है लेकिन ये फ्लेमेबल है, बाहर आपका आउटर भी फट सकता है, किसी ने बाहर आपके आउटर में स्मोक किया वो भी ब्लास्ट कर सकता है। और ये 1 से 1.5 साल में ये R32 हायर एसी में आ रही है और इसकी सप्लाई चेन भी कोई यही कंपनी कर रही है या कोई और कर रहा है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा इस मीडिया चैनल पे। और आपसे अभी गुजारिश ये है, मैं एक सदकाए जारिया के तौर पे लोगों की अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि हमने अपना भाई का नुकसान किया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़ा सोशल लॉस किया है, लेकिन है ना हमें इस चीज को आवाज उठानी चाहिए और आगे तक जाना चाहिए। और सब अपने अपने एसी चेक कराएं, कहीं R32 का बम तो आप अपने घर में नहीं रखा हुआ आपने। एसी हम घर के अंदर भी महफूज नहीं है, किस बेस पे R32 गैस एसी, सारी दुकानों के शॉप पे एसी के सिलेंडर चेक किए जाए कहीं कहीं R32 तो नहीं है। एसी खरीदने से पहले आप अपना जो भी है ये पूछे R32 है कि नहीं है, एसी की गैस फिल कराने से पहले पूछे कि R32 तो नहीं है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंटरनेट पे सर्च करें, मेरी बात तो और दूसरे
इसी प्रोग्राम में ये भी बताया गया है कि ये कोई R32 फ्लेमेबल नहीं है। नेट पे सर्च करें आपको सब पता चल जाएगा। ये फ्लेमेबल गैस है, हायर भी लिख रहा है, लेकिन ये R32 गैस ममनू है, इसके बैन होना चाहिए, इस पे हमें आवाज उठानी चाहिए। वो एक घर में 9 AC थे, एक फटा तो सारे 9 के 9 फटे और फैसलाबाद में 9 लोग मर गए। मेरे पास फोरेंसिक और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। एक्सपर्ट्स ने रात को जो हादसा हुआ उस वक्त और दिन की रोशनी में 2 नहीं 3 बार वेरीफाई किया कि R32 की है, और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी है जो इकरारुल हसन साहब ने शेयर की है, वो मेरे भाई की ही रिपोर्ट है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, दूसरों को बचाए। मैं नुकसान कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोग का हाथ जोड़ता हूँ कि आप अपने सारे AC कराएं। इससे आपका भी नुकसान हो सकता है, आपके पड़ोसी का, किसी का भी नुकसान हो सकता है।